Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम चीजें सोचते हैं कई बार कि भाई मेरा बहुत नाम हो और मैं बहुत वेल्थी बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे हों, मेरी सुंदर बीवी हो, सोसाइटी में मेरी एक वैल्यू बने, समाज में मेरी एक वैल्यू बने, मेरा नाम हो, लोगों का पैसा मुझे मिल सके ताकि मैं अपने बिजनेस में उसको खर्च कर सकूं, मेरे अच्छे दोस्त हों, अच्छे फ्रेंड हों, इनकम के सोर्सेज मेरे बहुत ज्यादा हों, ये जितनी भी चीजें हैं इंसान सोचता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने लगन चार्ट के ऊपर। अब अगर हमें पैसे के बारे में देखना है कि मैं रिच बनूंगा, पैसे वाला बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उसके लिए क्या देखते हैं, सेकंड हाउस। मेरे पास घर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस। मुझे कितना फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, उसके लिए क्या देखते हैं हम, फर्स्ट हाउस और टेंथ हाउस। मेरी अर्निंग कितनी होगी, उसके लिए क्या देखते हैं, इलेवेंथ हाउस। लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसके लिए देखते हैं सेवेंथ हाउस। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम अपनी दृष्टि डालते हैं कि अगर ये जितने भी हाउसेस हैं, अगर इनके लॉर्ड्स अच्छी पोजीशन में हैं या हाउसेस ठीक ठाक हैं तो ये चीजें हमें मिलेंगी। लेकिन एक एंगल ऐसा है जिसको हम देखना भूल जाते हैं, और वो जो एंगल है वही सबसे खास एंगल है। अगर वो एंगल बिगड़ जाता है तो जो भी चीज आप सोच रहे हो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब वो एंगल कौन सा है, कैसा है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। पर पहले मैं थोड़ा सा, इतना बड़ा जग लेके आऊं, देखो पानी का, थोड़ा पानी डाल लेता हूं, यार गला वाला सूख जाता है मेरा बोलते बोलते। तो वो जो एंगल है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि एंगल कौन सा है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और अब हमें क्या देखना चाहिए, राइट? तो चलते हैं लगन चार्ट की तरफ। तो ये है आपका लगन चार्ट, और लगन चार्ट में हमें ये देखना है कि फर्स्ट हाउस यानी आपका फेम, आपका नाम, आपकी पहचान। तो यहां पर अगर आप अपने नाम की तरफ जा रहे हो, फेम की तरफ जा रहे हो, पहचान की तरफ जा रहे हो, तो आप ये देखेंगे कि भाई मेरा जो फर्स्ट हाउस है यार, इसका तो लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, तो नाम तो होगा ही होगा, पहचान तो मिलेगी। या जो मेरा लग्नेश है वो उच्च का है, तो इसलिए मेरा नाम तो होना ही है, राइट? लेकिन आप एक चीज देखना भूल जाते हो। वो देखना क्या भूल जाते हो, आप अपने थर्ड हाउस को देखना भूल जाते हो। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी वैल्यू एज ए, जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसकी जो एक अपनी वैल्यू है, जो अपनी पहचान है, वो कैसे बनेगी, तो उसके लिए आपको अपने स्किल को स्ट्रांग करना होगा। आप अगर कोई राइटर बनते हैं तब आपको नाम फेम मिलेगा। तो जो भी आपका स्किल है उसके कारण आपको नाम फेम मिल सकता है। तो यहां पर अगर आपको अपने आप को फेमस करना है और यह साबित करना है कि आप एक्चुअल में क्या हैं, तो उसके लिए आपको अपने थर्ड हाउस को स्ट्रांग करना होगा। अब थर्ड हाउस में अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा हुआ है या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, कंबस्ट हो चुका है राहु के साथ, केतु के साथ, सैटर्न के साथ है, या थर्ड हाउस के ऊपर राहु केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो जो आपका फेम है वो डिले हो जाएगा, या हो सकता है कि आपको कभी भी फेम ना मिले। आपका फर्स्ट हाउस अच्छा हो सकता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको फेम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका जो थर्ड हाउस है वो बिगड़ गया, और जो फर्स्ट हाउस है वो थर्ड हाउस का 11th अवे है, यानी थर्ड हाउस का फ्रूट, थर्ड हाउस का फल,
इलेवेंथ अवे यानी फल फ्रूट्स। इस तरीके से अगर हम देखते हैं सेकंड हाउस को, तो सेकंड हाउस आपकी वैल्यू, लेकिन सेकंड हाउस आपका बनेगा कैसे? अगर आपका फोर्थ हाउस वीक है, फोर्थ हाउस यानी अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जमीन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, परिवार नहीं है, तो वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अकेला आदमी किस चीज की वैल्यू बना रहा है? आपकी जो वैल्यू है वो जब बनती है जब ये पता चलता है कि आप कौन से गांव से हैं, आप कौन सी कंट्री से हैं और कहां जाके आप क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए फोर्थ हाउस स्ट्रांग होना जरूरी है। आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स, आपके होमलैंड के लोग, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं, तब ही आपकी वैल्यू बन सकती है। बिना समाज के, बिकॉज फोर्थ हाउस यानी आपका समाज, आपके होमलैंड के लोग, अगर वो आपको लाइक नहीं करते तो कौन सी वैल्यू आप बना रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं बनेगी। तो इसलिए फोर्थ हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है, केंद्र में है, ऑन साइन में है, और सेकंड हाउस भी आपका ठीक ठाक है, तो आपकी वैल्यू बन पाएगी। खाली सेकंड हाउस को देखने से वैल्यू नहीं बनेगी। थर्ड हाउस यानी एफर्ट्स लगाना, थर्ड हाउस यानी करेज, थर्ड हाउस यानी शॉर्ट फिल्म्स, मीडिया। तो थर्ड हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको लगता है यार मुझे किसी ना किसी फिल्म में आ जाना चाहिए या शॉर्ट फिल्म में आ जाना चाहिए ताकि मैं कुछ करूं। थर्ड हाउस यानी यूट्यूब चैनल, यार मुझे यूट्यूब चैनल में अपना चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज मिस्टर शंकर प्रताप सिंह आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, मैं भी हो जाता हूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आपका जो फिफ्थ हाउस है वो स्ट्रांग नहीं है। फिफ्थ हाउस यानी क्रिएशन, फिफ्थ हाउस यानी क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस यानी डिवाइन पावर, डिवाइन नॉलेज। बिकॉज लियो का हाउस है, लियो मींस व्हाट? डिवाइन पावर, डिवाइन नॉलेज, ज्ञान, ब्रेन, ये आपका फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट लाइफ के कर्म को, कि पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए हो, उसका जो फल है वो फिफ्थ हाउस है यानी आपका लक। अगर आपका लक अगर आपका साथ नहीं देगा, अगर आप क्रिएटिव पर्सन नहीं है, तो क्या करेंगे आप? अगर आपको कोई शॉर्ट फिल्म मिल भी जाती है, अगर आप मीडिया टेलीविजन अगर वहां पर किसी सपोर्ट से पहुंच भी जाते हैं तो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर हमें फिफ्थ हाउस को देखना बहुत जरूरी है कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड किस पोजिशन में है, बेनिफिक पोजिशन में है या वीक है। अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ठीक है तो आपको थर्ड हाउस की चीजें मिल पाएंगी, यानी जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। फोर्थ हाउस, ये आपका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस आप देख रहे हैं कि मेरा फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है, इसमें जुपिटर है, अपने ऑन साइन में है, और जुपिटर जब फोर्थ हाउस में होता है, ऑन साइन में होता है, तो इंसान बहुत ज्यादा रिच होता है क्योंकि जुपिटर चीजों को एक्सपेंड कर देता है। या फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीनस है, वो अपने एग्जल्टेशन में है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपका जो सिक्स्थ हाउस है वो तो बिगड़ा हुआ है। आप अगर काम ही नहीं करोगे, सिक्स्थ हाउस यानी डेली का काम, आप अगर काम ही नहीं करोगे, बाहर निकल के अगर कुछ नहीं करोगे, तो फोर्थ हाउस आपका कैसे बिल्ड हो जाएगा? फोर्थ हाउस आपका बिल्ड नहीं हो सकता। उसके लिए आपको डेली काम करना होगा, आपको मार्केट में जाना होगा, आपको लोगों से बहस करनी होगी, आपको लोगों से आर्ग्यूमेंट करना होगा, आपको अपनी बातों को मनवाना होगा। तो छठा घर जो है वो कंपटीशन का घर है, और आप सोच रहे हैं कि यार विदाउट एनी कंपटीशन मैं ये सब चीजें हासिल कर लूं, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको
सिक्स हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को देखना होगा कि सिक्स हाउस के लॉर्ड की पोजीशन क्या है। अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है तो आपका जो सुख है, होमली कंफर्ट्स है, वो बढ़ पाएगा। एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा घर, सुख सुविधा का सामान आपको मिल पाएगा। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, फिफ्थ हाउस यानी चाइल्ड, राइट, बच्चा। अब आप बच्चे के लिए देख रहे हैं पंचम भाव को कि भाई पंचम भाव जो है मेरा ठीक ठाक है तो मेरे बच्चे तो होंगे, सुंदर सुंदर बच्चे होंगे बेचारे, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं होती है तो बच्चे कहां से होंगे? अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला जाता है, आपका डाइवोर्स हो जाता है, या सेवेंथ हाउस अगर आपका बिगड़ा हुआ है, यानी आपकी अगर सामाजिक वैल्यू बिगड़ी हुई है, सेवेंथ हाउस यानी समाज, जैसे फोर्थ हाउस यानी हमारा होमलैंड, हमारे आसपास के लोग जहां हमारा जन्म हुआ है, सेवेंथ हाउस यानी अपोजिट वर्ल्ड यानी समाज, समाज में वैल्यू नहीं है तो शादी नहीं होगी, या शादी का कोई योग नहीं है, सेवेंथ हाउस आपका बिगड़ गया है, केतु बैठा हुआ है, शनि देख रहा है, शनि बैठा हुआ है, केतु देख रहा है, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में है, कंबस्ट है, वीक है, शनि केतु के साथ है, राहु के साथ है, वक्री हो गया है, तो जब शादी नहीं होगी तो फिफ्थ हाउस का देखने का क्या मतलब बनता है? फिफ्थ हाउस जो है वो सेवेंथ हाउस का फ्रूट है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का गेन जो है वो फिफ्थ हाउस है। शादी, तो शादी का गेन बच्चे, लव, प्रेम। बीवी आपकी पकोड़े जमी बना के खिलाएगी जब आपकी शादी होगी, राइट। अब हम बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस यानी हीलिंग, एट्थ हाउस यानी डेथ। सिक्स हाउस उसका गेन, किसी की डेथ के बाद अगर आपको कोई गेन होता है तो वो आपका सिक्स हाउस है। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली कि किसी की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो कई बार हमें मिल जाता है, और जो इनहेरिटेड आपकी वैल्यू, वेल्थ जो है वो किसी की डेथ के बाद आपको मिलती है, ठीक है। और छठा घर जो है वो कोर्ट केस का है। आप इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि मान लो कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका हस्बैंड, हस्बैंड की कोई वैल्यू नहीं है, उसके पास पैसे ही नहीं है, और आपने कोर्ट केस कर दिया, और आप कंपनसेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं कि मेरा जो हस्बैंड है मुझे 20 लाख दे दे, 25 लाख दे दे, जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे दे दे। तो अगर आपका एट्थ हाउस अगर बिगड़ा हुआ है तो सिक्स्थ हाउस का गेन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एट्थ हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो एट्थ हाउस को देखें, हस्बैंड की वैल्यू को पहले देखें, तभी उससे पैसे की डिमांड करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। ये आपका सेवेंथ हाउस मैरिज, सेवेंथ हाउस मैरिज। हम देख रहे हैं भाई सेवेंथ हाउस जो है हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अपने ऑन साइन में है, बढ़िया पोजीशन में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तो सेवेंथ हाउस का गेन होना चाहिए। लेकिन सेवेंथ हाउस जो है वो नाइन्थ हाउस का गेन हाउस, नाइन्थ हाउस का गेन हाउस। नाइन्थ हाउस व्हाट? नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है ऐसी चीजों को, जैसे आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है। तो कोई इंसान ये लाइक करेगा कि जो उसका हस्बैंड है या जो उसकी वाइफ है वो धार्मिक ना हो, वो उससे अपोजिट हो, मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के दारू पी के आए, सिगरेट पिए, गांजा भांग खाए और उसको गालियां दे। आप लाइक करोगे? नहीं लाइक करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठीक भी कर रहे हैं कि भाई हमारे धर्म में ये चीजें नहीं होती हैं, ये गलत चीजें हैं, हम नहीं करेंगे।
यानी एक अच्छा और सच्चा इंसान। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, सच्चे इंसान नहीं है, भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, तो आप गलत काम करते हैं। आपको अगर लोगों की दुख तकलीफ नहीं दिखाई देती है तो आप गलत काम करते हैं। आपको अगर पाप पुण्य नहीं दिखाई देता है तो आप किसी भी रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कुछ। तो उसके लिए नाइन्थ हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, गुरुजन की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका जो फल है वो सेवंथ हाउस है। आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा बंदा बहुत अच्छा है, या ये लड़की जो है जिससे मैंने शादी की है बहुत अच्छी है, बेचारी सुबह उठती है, पूजा पाठ करती है, हम सबका ध्यान रखती है। तो उसका जो फ्रूट है, फल जो है, वो आपका सेवंथ हाउस। नाइन्थ हाउस यानी धर्म। नाइन्थ हाउस मतलब जो हम संसार के लिए करते हैं, अच्छा काम, धार्मिक कार्य, धर्म का काम, उसके कारण आपकी सामाजिक वैल्यू बनती है। लोग बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान है, धार्मिक इंसान है। एट्थ हाउस को देखना बहुत जरूरी है। एट्थ हाउस यानी अदर्स की वैल्यू, अदर्स की वेल्थ। अगर आपका कोई सामाजिक स्टेटस नहीं है, टेंथ हाउस यानी आपका स्टेटस। अगर आपका कोई सामाजिक स्टेटस नहीं है तो लोगों का पैसा आपको क्यों मिलेगा? समाज में अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो आप अपना बैंक कैसे खोलेंगे? क्यों लोग आपको पैसे देंगे? उसके लिए आपका टेंथ हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टेंथ हाउस अगर स्ट्रांग होगा तभी तो लोगों का पैसा आपको मिलेगा। और यहां पर आप देख रहे हैं, अरे वीनस अपने ऑन साइन में है, टेंथ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न कैप्रिकॉन साइन में है, यानी मैं कर सकता हूं, लोगों का पैसा मुझे मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा जब आपका टेंथ हाउस बिगड़ा हुआ है? टेंथ हाउस में केतु बैठा हुआ है, टेंथ हाउस में टेंथ हाउस का लॉर्ड जो है अपने डेबिलिटेशन में है, वीक है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, सिक्स एट्थ ट्वेल्थ हाउस में चला गया है और वीक हो गया है। हालांकि एट्थ हाउस में आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मिल सकता है, लेकिन वीक पोजिशन में है। तो कैसे मिलेगा जब आप रियल कर्मा नहीं कर रहे हो? जब तक आपकी पब्लिक विजिबिलिटी नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आपका एक सोशल स्टेटस नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए टेंथ हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। नाइन्थ हाउस धर्म, नाइन्थ हाउस धर्म का हाउस, पूजा पाठ का हाउस। आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं भाई साहब, चाहते हैं कि ठीक है जी धार्मिक कार्य हो और वहां पर मैं देसी घी के डिब्बे भिजवाता हूं, ये आपकी सोच अंदर की। आप चाहते हैं कि धार्मिक कार्य हो और उसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं जिससे मेरी एक सामाजिक वैल्यू बने। लेकिन धर्म जो है, पूजा पाठ जो है, धार्मिक कार्य जितने भी होते हैं वो बिना इनकम के नहीं होते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हो। और लक्ष्मी, मां लक्ष्मी का एक क्या कहते हैं उसको, यार ये लाइट जल रही है ना, आंखों में इरिटेशन हो जाती है। मां लक्ष्मी की जो आरती है उसमें ये एक आरती में एक लाइन भी है कि बिना लक्ष्मी के आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। तो यहां पर इलेवेंथ हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका गेन का सोर्स अगर बिगड़ गया है, पैसे नहीं है आपके पास, पैसे के सोर्स ही बन रहे हैं, तो आप धर्म का काम कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता। जब आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है तो लोगों को कहां से पैसे बांटेंगे? तो उसके लिए इलेवेंथ हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड अपने एग्जल्टेशन में हो, केंद्र में हो, अपने ऑन साइन में हो, या इलेवेंथ हाउस में एग्जल्टेड प्लैनेट्स बैठे हों, तभी तो आप नाइन्थ हाउस की चीजों कर पाओगे। बिकॉज नाइन्थ हाउस जो है वो इलेवेंथ हाउस का गेन है, उसका फ्रूट है, उसका फल है। टेंथ हाउस स्टेटस, आप देख रहे हैं टेंथ हाउस, यार बहुत बढ़िया, मेरा स्टेटस मिलेगा। ओके,
लेकिन कैसे मिलेगा अगर आपका 12th हाउस बिगड़ा हुआ है? तो 12th हाउस अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पितर हैं, वो आपको कर्ज करते हैं, गालियां देते हैं अंदर से, अमीर बन रहा है, हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, हमारी मुक्ति के बारे में नहीं सोच रहा है, हमें कभी याद नहीं करता है, कभी पूछता नहीं है। तो अगर आपका 12th हाउस बिगड़ गया तो बद्दुआएं बहुत मिलेंगी बंधु आपको, बद्दुआओं में जियोगे। तो जो उनकी बद्दुआएं हैं वो काम करती हैं, उनकी दुआएं भी काम करती हैं और बद्दुआएं भी काम करती हैं। वो हमें कर्ज करते हैं अगर हमारा 12th हाउस बिगड़ा हुआ है। 12th हाउस में राहु है, 12th हाउस में राहु के साथ शनि है, तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जल्टेशन में है, 12th हाउस में एग्जल्टेड प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 12th हाउस का लॉर्ड अपने ओन साइन में है, जुपिटर अपने ओन साइन में है 12th हाउस में, सूर्य अपने ओन साइन में है 12th हाउस में, तो आपको बेनिफिट मिलता है और उसके कारण आपका जो 10th हाउस है स्टेटस आपका बढ़ता है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो अंदर की जो सोच है, दिमाग की जो सोच है, जो आप सोच रहे हो, वो 12th हाउस से आती है। माल्या ने सोचा कि किंगफिशर एयरलाइंस स्टार्ट करता हूं, लेकिन हो सकता है उनका 12th हाउस बिगड़ा हुआ हो, तो सोच जो थी वो गलत आई, उसके कारण क्या हुआ, 10th हाउस गया, राइट। तो इसके लिए 12th हाउस का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। 11th हाउस गेन, आप गेन करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, मैं गेन करूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, जो भी मैं चाहता हूं वो मुझे मिले, होप्स एंड विशेस आपका 11th हाउस, आप चाहते हैं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, पैसे वाला बन जाऊं, अमीर बन जाऊं, बहुत सारे मेरे फॉलोवर हों, लाखों में, करोड़ों में, या लोग मुझे यूट्यूब में फॉलो करें, मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मिस्टर सिंह तुम क्या बोलते हो, तुमसे भी अच्छा बोल के दिखाऊंगा मैं, एक बार आने दो मुझे लाइमलाइट में, ये सारी चीजें आप सोच रहे हो, लेकिन उसके लिए आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हाउस अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, फर्स्ट हाउस अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, अगर आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपकी पर्सनालिटी का इंपैक्ट अगर लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो आपके फ्रेंड लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे? और जब पब्लिक आपको फॉलो नहीं करेगी तो आप अर्न कहां से करेंगे? तो उसके लिए आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी, कि आप क्या हो, हु आर यू इन रियल, वो बहुत जरूरी है। तो गेन अगर करना है, कम्युनिटी अगर बिल्ड करनी है आपको, तो उसको आपको फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। 12th हाउस किसका गेन है? 12th हाउस जो है वो सेकंड हाउस का गेन है, सेकंड हाउस का फ्रूट है 12th हाउस। सेकंड हाउस मींस व्हाट? 12th हाउस मींस व्हाट? 12th हाउस यानी प्लेजर, मौज मस्ती। तो प्लेजर, मौज मस्ती जब भी आपके पास आएगी, जब आपके पास पैसा होगा, आपकी वैल्यू होगी। आपने कभी देखा कि कोई गरीब इंसान मौज मस्ती ले रहा है, कहीं विदेश में घूमने जा रहा है, गोवा घूमने जा रहा है, रिजॉर्ट बुक कर रहा है? वो जब भी होता है जब आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग होता है। तो खाली 12th हाउस को मत देखो कि 12th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है, वीनस 12th हाउस में बैठा है, राहु वीनस के साथ है, ठीक है भाई, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तभी है जब आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग है। ओके गाइस, सो मैंने आज आपको बताया एक डिफरेंट एंगल के बारे में
कि अगर आप ये देख रहे हैं अपने बर्थ चार्ट में कि मेरा ये हाउस स्ट्रांग है, वो हाउस स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो जो हाउस है वो कौन से हाउस का गेन हाउस है, तो आप चीजों को प्रॉपर वे में नहीं जान पाएंगे। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग है और उसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं।